आदरणीय अध्यक्ष जी, से हमको प्रिय है ये हिंद भू हमारी, हम है सपू भारती हमारी, ये हिंद भू भारती हमारी, कह दो ढूंढे उसका संशोधन करके उसमें अमेंडमेंट कर दी गई। किस तरीके से लोगों ने किया, अगर और एक तरफ की बात है, संविधान बना भी नहीं था और जो हमारा वीरपुर कोटली वगैरह के जेल आके अभी इंडिपेंडेंट सेंचुरी, जब वो नहीं माने तो वहाँ 5,000 कवाली वहाँ भेज दिए गए और वहाँ मार कटाई शुरू कर दी गई। और दोस्तों वहाँ 35,000 अमृतसर के रास्ते या जम्मू के रास्ते कहीं से एक बात को 100 बार झूठ, सच को भी 100 बार झूठ बोला जाए, पंडित जी को कोई एक जिम्मेदार वो बुलाते हैं अपने घर में पूजा पाठ करने के लिए, तो ये तो बकरी है कुत्ता कहां जा गया। ऐसी मनोवृत्ति वैसे मनोभूमिका हमारी बनी रहनी चाहिए। आपने देखा इस चुनाव में क्या हुआ, आज हम ये संघर्ष की गाथाएं जो हम 1948 साल से गा रहे हैं, हर वर्ष कार्यक्रम होता है, क्या क्या अत्याचार हुए, कैसे लोग पकड़ेंगे, कैसे उनके घरों की तबाही हुई, कैसे मकान तोड़ेंगे, कुछ लोग दुनिया को छोड़ के चलेंगे, उनको हम स्मरण करते हैं। इसे लोकसभा चुनाव में आपने देखा नरेशन किस प्रकार फास्ट नरेशन मिथ्या प्रचार किया गया और उसका समाज पे इफेक्ट हुआ। हमारे साथी कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या संविधान के साथ अवेलनाएं की, क्या क्या लोकतंत्र का मजाक उड़ाया, गला घोटा, वो सब बोलेंगे। मैं जम्मू कश्मीर के पृष्ठभूमि में बात करूंगा। हमारा संघर्ष जब शुरू हुआ 1947 में, तब प्रजा परिषद जिसके हम आगे चल के जानशीन है, उसी झंडा को लेकर चल रहे हैं, और उस वक्त जो आंदोलन हुआ था 370 के खिलाफ, उसमें प्रजा परिषद के जो क्रांतिकारी थे वो अपने गले में राष्ट्रपति का चित्र लटका के चलते थे, एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन, एक हाथ में तिरंगा झंडा। जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा लेके चलना इतना गुनाह था, देश आजाद हो गया था, केंद्र में नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, यहाँ शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री थे, देश एक ही था, लेकिन तिरंगे झंडे को सहन नहीं किया जाता था और गोलियां मार के हमारे 13 लोग शहीद कर दिए गए, कई बार तिरंगा झंडा लेके सरकारी संस्थानों के ऊपर लगा रहे थे। तो हमारा संघर्ष तब से स्टार्ट होता है भारत के लोकतंत्र के लिए, भारतीय के लिए और भारत के संविधान के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, तब से हम शुरू हुए हैं और हम रुके नहीं, चलता रहा। आपको स्मरण होगा कि पहला, शायद आप में से कम लोगों को स्मरण होगा कि पहला जो चुनाव हुआ यहाँ पे, तो प्रजा परिषद के जो भी उम्मीदवार थे उनके जो पेपर थे नामिशन पर सारे के सारे एक पेन की स्ट्रोक से शेख दुल्ला सरकार ने रिजेक्ट कर दिए। यहाँ से लोग शिकायत लेकर दिल्ली जाना चाहते थे, जाने नहीं दिया जाता था। एक यहाँ हमारी प्रोफेसर शक्ति शर्मा हुई है, शायद आप में से बोलते नाम सुना होगा, जुलाका बल्ला की, उस समय वो महिला नेता होती थी, उन्होंने दुल्हन के कपड़े पहने और ये दिखाते हुए कि मैं दुल्हन हूँ तो कहीं ससुराल जा रही, शायद मुझे पुलिस वाले जाने दें, परमिट सिस्टम होता था, तो जब पुलिस को पता लग गया इस बस में बैठी हुई है, तो उन्होंने तभी के स्कूल से छलांग मारी, नीचे बच गई और फिर दूसरे रास्ते से निकल के दिल्ली पहुंच गए, नेहरू को मिले। पार्टी की ओर से ब्लैक डे मनाया जा रहा है, आज ही के दिन 1975 में यहाँ पे अपकार लगाया गया था, एमएनएससी लगाई गई थी, संविधान को सस्पेंड कर दिया गया था, विरोधी पक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया था और बड़ा जुल्म लोगों पर किया गया था। तो हम उनको आज स्मरण कर रहे हैं, किस प्रकार लोकतंत्र की हत्या की गई, किस प्रकार संविधान की अवहेलना की गई और किस प्रकार यहाँ पे एक पूरे देश को जेल बना दिया गया। तो हम हर वर्ष उसको याद करते हैं, हर वर्ष एक संकल्प करते हैं कि पुनः ऐसी स्थिति ना आए, लोकतंत्र पर खतरा ना हो। आज का संदर्भ थोड़ा बदल गया है, पिछले दिनों चुनाव से पहले हमने देखा एक फेक नरेशन चलाया गया था, एक मिथ्याचार चलाया गया था कि बीजेपी यदि जीत गई तो रिजर्वेशन खत्म कर देगी और बीजेपी यदि जीत गई तो चुनाव दोबारा नहीं होंगे और संविधान बदल दिया जाएगा। आज हमने यहाँ मिसालें दी हैं सुनने वालों को कि किस प्रकार 100 बार अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कांग्रेस ने की, किस प्रकार जम्मू कश्मीर के अंदर एनसी जो थी वो कांग्रेस की ही एक लोकल पार्टी बनके काम करती थी, यहाँ कांग्रेस नहीं होती थी, किस प्रकार उन्होंने जुल्म किए अनुसूचित जाति लोगों को, तब उन्होंने रिजर्वेशन नहीं दी, फिर एक शख्स ने बलिदान दिया, मतलब रख के फिर मिली। इसके अलावा जो
लोकल लाठी से बाहर के लाठीज हैं उनको जो स्टोडियल लैंड दी गई उनको ओनरशिप नहीं दी गई। तो ये सब अनुसूचित जाति के लोग थे और यहाँ प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं का इन्होंने फार्म रिजेक्ट कर दिए गए थे। स्टेट का अपना ही वो होता था रक्षित मिशन। और जेल के अंदर कौन लोग थे? तीन लोग एनिली जाति की कैटेगरी में थे, पंडित भीमा डोगरा, ऋषि कुमार कौशल और रुद्रप्रीत सांगड़ा। तो वो कौन सा लोकतंत्र था जिसको ये लेके चल रहे हैं? और आज मोदी जी कोर्ट की हर बात मानते हैं, कई कानून ऐसे बनाए जो कोर्ट ने स्ट्रक कर दिए, फिर भी हम उसकी बात को मानते हैं। और हर स्थान पर चुनाव होता था, यहाँ पे लोकल बॉडीज के नाम पर नोटिफाइड एरिया कमेटी होती थी, टाउन एरिया कमेटी होती थी। आज हर जगह म्यूनसिपैलिटी का चुनाव हो रहा है, पंचायत का चुनाव हो रहा है। तो डेमोक्रेसी को लेके हम लोग आए हैं, हमने गोलियों को छाती पर गोली खाई है तिरंगा झंडा लहराने के लिए और भारत को यहाँ लाने के लिए। तो आज हम ये संकल्प कर रहे हैं कि ये फेथ जो नरेशन है, मिथ्याचार जो है, इसको समाप्त करेंगे, इसका भंडाफोड़ करेंगे। और संकल्प ये भी ले रहे हैं कि हम कभी ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे यहाँ। थैंक यू।